करूँगी। जो ड्रिंक है, ये मैंने जो टी बनाई है वो सौंफ और अलसी की टी है। नाउ इसके बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा हैं, खास करके लेडीज़ के लिए, क्योंकि वो इमोशनली एंड फिजिकली ज़्यादा एग्जॉस्टेड हो जाते हैं, क्योंकि दे हैव लॉट मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी। सेइंग दैट, मेन आदमी भी इतना ही करते हैं, डिपेंड्स कि उनका स्वभाव कैसा है। पर ये बच्चों के लिए भी यूज़ किया जाता है फॉर सिनोवियल फ्लूइड, जो होता है बोन्स के बीच में, गद्दी जिसको बोलते हैं, उसके लिए भी ये बहुत फ़ायदे करता है। बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट जो मैं ये ले आपको आज बता रही हूँ, वो इसीलिए ज़्यादा यूज़फुल है लेडीज़ के लिए, क्योंकि लेडीज़ को हमेशा B12, B6 इनकी ज़रूरत ज़्यादा रहती है, स्पेशली आफ्टर द चाइल्ड बर्थ। तो ये आप एक तो जॉइंट्स के लिए, एक ब्लड सर्कुलेशन के लिए, एक आप एनर्जी के लिए, ये दोनों अगर साथ में मिला के लेते हैं। जैसे सौंफ जो है वो माना जाता है कि वो डाइजेशन के लिए सही है, ब्लड सर्कुलेशन के लिए सही है, स्किन डिजीज़ेस के लिए सही है। तो इसके बहुत सारे, अपार्ट फ्रॉम डाइजेशन, बहुत सारे इसके फ़ायदे रहते हैं। और अलसी में ओमेगा 369 का गुण रहता है, तो ख़ास करके जो लोग वेजिटेरियन है, वीगन है, उनके लिए अलसी जो है वो बहुत काम की चीज़ है। ख़ास करके उनको रोज़ ये इसका सेवन करना चाहिए, और ये बहुत यूज़फुल भी है। और इवन पोस्ट प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी के बाद भी ये बहुत काम आता है। और आई रिमेम्बर दैट ड्यूरिंग लिविंग इन अ फैमिली वेयर देर वॉज अ लेडी हु गॉट प्रेगनेंट, एंड आफ्टर दैट द मदर यूज़ टू जस्ट मेक अलसी वाटर एंड मेक द डॉटर ड्रिंक इट। सो देर वर लॉट ऑफ एंशियंट विजडम विच आर गेटिंग लॉस्ट, बट इट इज़ कमिंग बैक। अभी हम ये देखेंगे कि कैसे इसको बनाना है। सो इफ यू ओनली हैव टू टेक अ पिंच, मतलब एक चिमटी सौंफ या एक चम्मच सौंफ ले लीजिए, और उससे आधा चम्मच अलसी लेना है, ठीक है। और सबसे बेनिफिशियल ये तब होता है, उसको ज़्यादा उबालना नहीं है। इवन इफ अगर आपने उसको 10 मिनट के लिए उबाल दिया तो भी ये ज़्यादा पक जाता है। सो इट शायद किसी को शुरुआत में ये लेने में भी तकलीफ़ हो सकती है, ख़ास करके जो कॉफ़ी और चाय से एडिक्ट है, उनको ये ट्रांजिशन थोड़ा सा डिफ़िकल्ट रहता है, क्योंकि इसमें हल्का सा चिकनाहट भी रहती है। तो पीने में अगर ये ठंडा हो जाता है तो पीने में थोड़ा सा प्रॉब्लम रहता है। तो इसको सही तरीके से अगर पीना है तो चाय जितनी गर्म आप लेते हैं उसी टेक्सचर में, उसी टेम्परेचर में आपको लेना चाहिए। और इसमें दूध नहीं डालना है, चीनी नहीं डालनी है, नमक नहीं डालना है, बस ऐसे ही पीना है। थोड़ा सा टाइम लगेगा, और मैं ये रोज़ पीती हूँ तो मुझे तो इसके फ़ायदे बहुत दिखते हैं, क्योंकि पहले मैं बहुत कॉफ़ी पीती थी, चाय पीते थे। तो उसको बंद करने के बाद ये जो हमने सवेरे सबसे पहले ये हम लेते हैं, उसके मैंने बहुत फ़ायदे देखे। एक तो बोन्स और जो स्किन है मेरी इम्प्रूव होने लगी। और देहरादून में जो पानी है वो बहुत हार्ड वाटर पानी है, कैल्शियम की मात्रा ज़्यादा है, तो बाल बहुत झड़ते थे, टूट जाते थे, इनफैक्ट नॉट झड़ते थे, टूट जाते थे। तो उसमें भी थोड़ा सा चेंज आया है, जहाँ पे बाल टूटने में बंद हुए हैं। तो दिस वुड बी वेरी बेनिफिशियल एनर्जी लेवल बढ़ाने के लिए, जॉइंट्स के इश्यूज़ के लिए, स्किन डिजीज़ेस के लिए। सो आई आई होप कि ये आपको हेल्पफुल रहा हो। इसको डाइजेशन के लिए भी बहुत यूज़ किया जाता है, एंड प्लस इट्स फाइबर। तो ये छोटे बच्चों को, जिनको कॉन्स्टिपेशन का इश्यूज़ होता है, बी कॉम्प्लेक्स का इश्यूज़ होता है, एनर्जी लेवल बहुत कम होते हैं, तो ये ट्रांजिशन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि आप सबसे पहले चाय ना पी के कुछ फाइबर लीजिए, या कुछ ऐसे ओमेगा 369 के स्पाइसेस लीजिए, हर्बल्स लीजिए। दिस इज़ ओनली वन ऑफ देम। आई मेक अ लॉट ऑफ अदर टीज़, जो मेरे मेहमान हैं वो जानते होंगे, जो भी घर पे आते हैं वो हमेशा जानते हैं कि यहाँ पे हर्बल टी ज़्यादा मिलती है चाय से। सो प्लीज़
ट्राई एंड हैव दिस अर्ली इन द मॉर्निंग. रोज़ आप मॉर्निंग में ये लेना शुरू कीजिए और फिर आप मुझे ज़रूर बताइए कि क्या फ़ायदा हुआ है. मैं निशी भट्ट हूँ और नाड़ी योगा से हूँ. तो ये हम काढ़ा पिलाते रहते हैं जब हमारे बच्चे आते हैं. तो आप मुझे भी बताइए कि कैसा आपको कैसा फील हो रहा है 10 दिन के बाद इसको लेने के बाद, और बच्चे को देने के बाद भी क्या असर हुआ है. थैंक यू. गुड मॉर्निंग एवरीवन. एंड आई गेट अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस विद रिगार्ड्स टू यू नो हाउ टू कीप द एनर्जी लेवल्स अप एंड you know, work with the child with so many issues. And you know, women are normally the one to have to carry on with a lot of activities during the whole day. So this is the morning tea that I normally have, which is the flax seeds and the fennel seeds. And these are, the flax seeds are obviously known for its omega-3 properties, and sonf is known for its digestive, which is the fennel seeds is known for its digestive reasons. But the other good thing about fennel seeds, it is also helping with the gastric issues or digestive issues, or I would also say it helps with the blood circulation, and both of them work beautifully together. I mean, it may not be everybody's cup of tea because it can have a little sticky because of the the flax seeds can create a little kind of sticky liquid. But if you're gonna have it warm like a tea, and then chew away all these flax seeds and sonf together, and you won't find that of a disturbing taste, because I don't find that, because I do have it regularly. But maybe somebody who's starting off from taking morning teas to taking these herbal teas or these spice teas, then it can, the transition can be a little harder. But once you start having these things, you will find yourself so much more lighter and also more energetic. So it is not only for women, I must say, men can also have this.